हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे। वेलकम बैक टू माय क्लास सुखदेव पटसारिया केमिस्ट्री क्लासेस ग्वालियर फॉर जी नीट एंड बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन लेक्चर नंबर 7। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सिलेक्टेड 100 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ केमिकल काइनेटिक for G mains preparation। This lecture is very very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class। So let's start without delay। What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel। तो चलिए आज की इस सीरीज में लेक्चर नंबर 7 में हम आगे बढ़ते हैं और आज आपको इस 100 न्यूमेरिकल्स वाली सीरीज का ये MCQ नंबर 7 है और इसमें हम केमिकल काइनेटिक का अगला न्यूमेरिकल सीखते हैं बड़े सिंपल और ट्रिकी स्टाइल में। क्वेश्चन निकालने के लिए आपको जितनी कोशिश होगी सरल से सरल की जाएगी। आपको ये प्रोसेस सीख करके आपको अपने एग्जाम में सफल होना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के बताते हैं और बताते हैं इस क्वेश्चन को आपको अगर पेपर में आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और 2021 में जी मेंस एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए ये क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एक रिएक्शन लिखी हुई है। रिएक्शन क्या है? N2O5 गैस नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड गिव्स 2NO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। NO2 होती है नाइट्रोजन परऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड को अगर हम रिएक्ट करते हैं हीट की प्रेजेंस में तो नाइट्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन लिबरेट होते हैं। ये है हमारी क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है जरा जाने। इन द एबव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस रिएक्शन को पहले से ही बता दिया है कि ऊपर दी गई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 यानी इसका N2O5 का इनिशियल यानी प्रारंभिक सांद्रण इनिशियल कंसंट्रेशन इज 2.40 × 10⁻²। मोल पर लीटर एट 318 केल्विन, 318 केल्विन ताप पर N2O5 का इनिशियल कंसंट्रेशन इतना है 2.40 × 10⁻², मोल पर लीटर। आगे बढ़ते हैं, ये इनिशियल कंसंट्रेशन इसने बता दिया। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 1 आवर। अब जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो एक घंटे बाद चेक की गई तो इस N2O5 का जो कंसंट्रेशन था आफ्टर 1 आवर वाज 1.60 × 10⁻²। कंसंट्रेशन ये हो गया मोल पर लीटर। तो क्या निकालना है इसमें, लिख रहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 318 केल्विन इज 10⁻³ पर मिनट। ये डॉट 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 है, यहां पर आपको आंसर देना है। ये इंटीजर आंसर है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है इस पर आपको एक वर्ड में, दो वर्ड में, सॉरी डिजिट में आपका जो भी आंसर आए वो लिखना है। 10⁻³ पहले से ही लिखा हुआ है, यानी आपका टोटल आंसर इसके बराबर आना चाहिए। मेरे अंदाज में अगर आप केमिकल काइनेटिक को 12th क्लास में सिंपली भी पढ़ चुके हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक इक्वेशन आपको पता होगी। नहीं है कोई बात नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगा, याद हो जाएगी। हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आना चाहिए क्योंकि कंसंट्रेशन इसमें दिया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको बस फर्स्ट काइनेटिक इक्वेशन आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको रेट कॉन्स्टेंट यानी के निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, एक ही फॉर्मूला है वो ये है, K = यानी रेट कांस्टेंट निकालना है K = 2.303/T। ये टाइम है जो दिया हुआ है 1 आवर। उसके बाद लिखते हैं लॉग स्मॉल a अपॉन a माइनस x। ये हमारी रिएक्शन
सिंपल, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन स्मॉल t log a अपॉन a माइनस x। k यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, t टाइम है, log में दिया हुआ है a माने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और नीचे आफ्टर वन आर यानी फाइनल कंसंट्रेशन। तो ऊपर है इनिशियल कंसंट्रेशन और नीचे है फाइनल कंसंट्रेशन, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनिशियल कंसंट्रेशन भी दिया है और फाइनल कंसंट्रेशन भी दिया है, टाइम भी दिया हुआ है, के निकालना है बस। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल है, वैल्यू रखिए और कैलकुलेट कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैं वैल्यू लिख के बताता हूँ आपको, के इज इक्वल टू 2.303, t की जगह ये लिखा है ना 1r, 1r की जगह आपको देखो आंसर में 10^-3 पर मिनट दिया, इसको बस एक विशेष याद रखना है आपको, आपको इसको आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर देना है। तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे 60, ये है सिंपल सी चीज, लॉग लिखा है लिखा रहने दीजिए, और ए माने इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है देख लिए, इनिशियल कंसंट्रेशन है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 2.40, तो यहां पर लिखूंगा मैं लॉग 2.40 इंटू 10^-2, ये हमारा हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन। और दूसरा दिया है एक घंटे बाद कंसंट्रेशन कितना रह जाएगा, तो ये रहा हमारा फाइनल कंसंट्रेशन जो a माइनस एक्स की जगह पर लिखा जाएगा, और ये होगा हमारा 1.60 इंटू 10^-2, ये हमने वैल्यू रख दी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, काट पीट कर सकते हो, इसकी वैल्यू मुझे लिखना बताना है, बस इसको काटना भी बता देता हूँ। देखो ये कट जाएगा, ये 2.40 से 1.60 कट जाएगा, और ये बचेगा आपका 8 × 24, 3 बार में कटेगा ये, और ये यहाँ 2 बार में कट जाएगा, ये पूरा कट ही जाएगा, ये भी काट दीजिए, पूरा कट गया। अब क्या बचा, लॉग 3 बचा, बस इसको तो गुणा कर देंगे, इसमें करके निकाल सकते हो। ओके अब आगे चलते हैं, सो के इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, 2.303 अपॉन 60 लॉग 3 माइनस ए अपॉन में है, तो हो जाएगा लॉग 2। ये सरल तरीका है निकालने का लॉग का, काट पीट के मुझे सिंपल लॉग की वैल्यू मिल गई। बस लॉग 3 और लॉग 2 की वैल्यू या तो पेपर में साइड में लिखी हुई मिलेगी, इसमें तो नहीं आई है लिखे, तो आप कम से कम लॉग 5 तक की वैल्यू याद करके जाइए। तो मैं अभी बता देता हूँ इसको, तो देखिए ये आंसर अपना हो जाएगा के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.477 माइनस लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.301। देखिए ये वैल्यू मुझे याद है और मैंने ये लिख दी, इतनी वैल्यू आप याद करके जाएंगे। बस आपको इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और 60 से डिवाइड कर दीजिए, और सिंपल करना है तो थोड़ा बहुत काट पीट कर लीजिए, पूरा गुणा भाग आपको करना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, सो के इज इक्वल टू आ जाएगा 6.9 इंटू 10^, ये दिया हुआ है वो ही आएगा 10^-3। इसको 6.9 को 7 मान लेते हैं, तो ये आगे आ जाएगा ओवरऑल आंसर, सो 7 इंटू 10^-3 पर मिनट, ये आ गया आंसर। इस वैल्यू को यहां पर लिख देंगे 7, ये आपका आंसर 7 इंटू 10^-3।
ये जो आंसर, देखिए कितना सरल है आपको, बस इसमें क्या है एक से डेढ़ मिनट आपको इसको इसमें मल्टीप्लाई करने, इसको माइनस करके मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा 6.9 × 10⁻³। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेन चीज़ ये है कि ज़्यादातर कैलकुलेशन में बहुत कठिन कैलकुलेशन नहीं देते जिससे कि निकालने में आपको बहुत सारा समय लगे, आसानी से इतने कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, नहीं कर पाएंगे तो फिर आप मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जी एडवांस के क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा तो कैलकुलेशन से थोड़ी सी और टफ होती है। ये भी मेंस करा रहा हूँ, मेंस के आप 100 क्वेश्चन कर लेंगे तो मेंस आपका क्लियर, सभी टॉपिक के हर टॉपिक से 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को टारगेट करके मैं सिंपल छांट करके आपको ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप आसानी से इनके ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। ओके, तो चलिए ये हुआ हमारा सिंपल सा कैलकुलेशन आज का। लेक्चर नंबर 7 देखने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।